प्रदेश का चुनाव जीते हैं, अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं और आप रिश्ता दामाद हैं, तो कैसा महसूस करेंगे जीतने पर आप? देखिए, फैमिली एक चीज़ होती है और ये पार्टी एक चीज़ होती है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। पार्टी के लिए देखे जाए तो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई दफ़ा लगता था, जब इनकी काउंटिंग आ रही थी तो मैं देख, जिस वक्त बीजेपी आगे आती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, फिर जिस वक्त कमल आगे आता था वो भी बड़ा अच्छा लगता था। तो इसलिए दोनों तरफ एक से थे, ये नहीं कहना चाहिए। मैं कहती हूँ गलत चीज़ है जो कह दे कि मेरे लिए पार्टी ठीक है, ऊंची है, जीतना उसका बड़ा अच्छा लग रहा था। अगर मैं ये कह दूँ कि कमल का हारना मुझे अच्छा लगता तो वो भी नहीं था, कमल का जीतना भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो दामाद है मेरा। उनका व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह के लोग? अब देखिए, अब उसके बारे में क्या बताऊँ, लोग सब जानते ही हैं किस तरह आखिर 9 दफ़ा वो MP बना है, 1 दफ़ा ने उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लूज़ किया और उसका नाम है वहाँ पे, लोग उसे पूछते हैं। और जब छिंदवाड़ा जो था वहाँ पे आम की गुठली खा के लोग जीते थे, और अब छिंदवाड़ा देखने वाला है कि उसने क्या से क्या बना दिया। तो ये सब देखने की चीज़ें होती हैं। कभी आपने देखा कि कोई भी MP पूरा जीतता ही जाए, कभी ना हारे? लोग नाराज़ होते हैं तो हार भी जाता है MP, मगर वो 9 दफ़ा जीतते रहे हैं। जिस टाइम काउंटिंग होती है, उस टाइम दोनों कमल सामने थे आपके, एक कमलनाथ जी एक कमल पार्टी, कैसा उस टाइम कैसा सोच रहे थे आप? देखो, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पार्टी जो है वो बहुत ऊंची चीज़ है, उसके लिए जहाँ बचपन से ही वो मैं कितना पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी के बारे में देखा है, जो कुछ मैंने देखा है ना पार्टी को करते, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि अमृतसर में जब हालात जो थे पार्टीशन के बाद, उस वक़्त पार्टी ने जो कुछ किया है, RSS के बच्चों ने खासकर जो कुछ किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक आदमी के साथ गाड़ी पूरी कट के लाहौर से आई थी तो क्या कुछ किया लोगों ने, तो पार्टी के लिए भी बड़ा है। मगर ये अगर कहा जाए कि उसका जीतना अच्छा नहीं लगा, ये भी मैं नहीं कह सकती, दोनों ही चीज़ें हैं, मगर पार्टी बहुत ऊंची चीज़ है। ठीक है।